जूम की एलईडी 120 वाट की, ठीक है। यहाँ पे आप ये चेक कर कॉस्टिंग सकते आती हैं। है 6,500 रुपए की। बटन प्रेस किया, मिरर फोल्ड हो गया है। अगेन बटन प्रेस करेंगे, मिरर अपना जो है वो अनफोल्ड हो जाएगा। और भैया का हमने लगाया साइड बिडिंग लगाया 85% डिस्काउंट करके नेक्स्ट हमने पार्ट पे। तो कॉस्टिंग आती है भैया 1100 रुपए की। पार्किंग पे स्कैनिंग मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको इंडिकेटर पे दिखा रहा हूं। फ्रॉम्स का वेलकम प्लेट, इसकी मात्र आती है 1000 रुपए की। भैया सीट वगैरह हमने मेन काम किया है, सोफा रहने सीट कवर के अंदर है और 5 सपोर्टर है, बहुत 5 पीस की गारंटी सीट कवर की, कर्जा फर्जा रिप्लेसमेंट गारंटी है, डाला चेकमेट क्वालिटी का मैट डाला है, फ्लोरिंग इसकी 1 साल की भैया रिप्लेसमेंट गारंटी होता है। फोकस तो आमने इस पे देखो, आप आमने पूरा लगा दिया हमने, ठीक है। ये जेन्युइन है नेक्सा का, इसकी कॉस्टिंग आती है भैया 3000 रुपए का विद फिटिंग के साथ। एंड्रॉइड डाला है, 4 GB रैम, 32 GB इंटीरियर, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो है, 1 साल की भैया बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मेरी बजट था और जितनी मेरी स्पेसिफिकेशन थी उसके हिसाब से इन्होंने बिल्कुल बस काम किया। गाड़ी का काम सारा कंप्लीट हो चुका है, काम करने कुछ कमी लगी आपको? नहीं नहीं, काम कोई। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी मनीष कलेक्शन सीरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्ग। सबसे पहले मिलते हैं मनीष भाई से। मनीष भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। कौन सा वेरिएंट रहने वाला मनीष भाई? सिग्मा मॉडल है, इंडिकेटर दिख जाएगा आपको। यहां पे आप इंडिकेटर से जो है वो समझ सकते हो। और यहाँ पे आपको बताते हैं गाड़ी अपनी काफी दूर से जो है आई हुई है, UK 07 देहरादून नंबर जो है वो रहने वाला है। देहरादून से गाड़ी आई है, इसको हमने बेसिक तो बना दिया है गाड़ी को, ठीक है जी। तो क्या कुछ लगा रहे हो वाली फ्रंट से बात करते हैं तो इसमें हमने पहले तो लगाया एलईडी। हाँ जी, 120 वाट का एलईडी है, अजूम कंपनी का। अजूम कंपनी की 120 वाट जी। वारंटी वगैरह 1-2 साल की रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। बाकी एलईडी का प्राइस अपने पास 1000 से लेकर 6500 तक है, तो डिपेंड करता है आप कौन सी लगवाना चाहते हैं। का लगवा रहे हो आप? ठीक है जी। 50 वाट से लेकर 350 वाट तक है, और इसके अंदर भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कंपनी टू कंपनी है, कौन सा कंपनी लगवा रहे हो आप? ठीक है जी। इसके बाद साइड प्रोफाइल से हम दरवाजे लगाएंगे गैलियो कंपनी का। हाँ जी, मिरर चेंज कर दिया हमने। तो यहाँ पे अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर देख सकते हो, पियानो ब्लैक लग चुके हैं, और फेंडर के ऊपर जो इंडिकेटर था वो यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसके ऊपर इंडिकेटर आ चुका है। हाँ भैया, की के साथ भी वर्क करेगा और अपने जो बटन है उसके साथ भी वर्क करने वाला है। हमने रियर डाला, फिर स्विच लगाया, फिर मिरर पर जो प्राइसिंग आती है 6000 का के साथ, ठीक है जी। वो भी नेक्सा जेन्युइन है, लगा के देंगे आप। मतलब कोई मोटर वगैरह वाला, कोई पुराना वाला सीन नहीं है, मोटर नया डब्बा पैक, मोटर नहीं आता भैया इसमें, पूरा मेरी भैया चेंज होता है। इसके अलावा एंड्रॉइड का काम चल रहा है अपना, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्टीरियो जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, 4/32 है, अपर कार पे एंड्रॉइड ऑटो, ठीक है, और 1 साल की वारंटी है, 1 घंटे के अंदर ठीक होकर मिलेगा अगर कोई दिक्कत आती है जी। भैया एसी वेंट लगेगा इसके ऊपर, अभी ये जो अपने सिल्वर वाले आते हैं, हाँ सिल्वर वाले। उसके बाद फ्लोरिंग हो चुका है अपना, ये अपनी चेक मैट क्वालिटी का है, ठीक है, भैया लग चुका है। और ये प्रीमियम क्वालिटी वाले जो सीट कवर्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। अभी सिर्फ और सिर्फ को ड्राइवर सीट लगी है और पीछे की सीट लगी है, अभी ड्राइवर सीट का लगना जो है वो बाकी है। स्पीकर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे पाइनियर के स्पीकर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। फ्रंट डोर के अंदर कॉम्बिनेट स्पीकर है और रियर डोर के अंदर कुछ रहने वाले हैं, ठीक है जी। और बैक साइड में हम कैमरा लगा रहे हैं, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो कैमरे की प्लेसमेंट कहाँ रहेगी? ये कैमरे की प्लेस यहाँ हो जाएगी आपकी, नंबर प्लेट के ठीक ऊपर जो है वो जो कैमरा है गाइडलाइन के साथ देंगे आपको, ठीक है जी। उसके बाद एक टेयर डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बता दिया आपको हमने, एक तो मिरर भैया चेंज कर दिया हमने, तो ये मिरर जो इस वाली गाड़ी से निकला है वो यहाँ रख दिया है। अजूम का हमने एलईडी लगा दिया 120 वाट के अंदर, ठीक है जी। और हैंडल क्रोम गैलियो का लगाएंगे भैया अभी, तो ये भी लगने वाला है जी भैया। स्टीयरिंग में कोई चेंज? स्टीयरिंग में भैया चेंज कर दिया हमने, ठीक है जी। स्टीयरिंग पूरा चेंज करके वो ब्लैक जो आता है डिजाइन वो लगा दिया, वो भी लग चुका है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी आगे चल के जो है फ्यूचर विजन जो है वो चेक करवा देंगे और वर्किंग वगैरह भी दिखा देंगे। आमरेज भैया चेंज कर दिया हमने प्रॉपर, ये अपना आमरेज जो है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एक बूट लाइट जो है वो इसमें नहीं आती, बूट लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे इस साइड में यहाँ पर किया जा रहा है प्रॉपर वायरिंग के साथ। और इनर हैंडल हमने चेंज कर दिया चारों दरवाजे का, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो मेन हमने काम किया इसमें डैम्पिंग का, अंदर बाहर डैम्पिंग लगा रहे हैं हम, विंडो कंपनी का डबल लेयर लगाएंगे, ठीक है। और इसकी गारंटी का लाइफ टाइम की, पिघल गया तो रिप्लेस हो जाएगा आपका। कितने सीट लग जाएगी इस वाली गाड़ी के अंदर? भैया 8 सीट लगता है प्रॉपर, 8 सीट जो है जी भैया। तो अभी यहाँ पे जो है अभी काम होना है, अंदर की तरफ से स्टार्ट होगा, 1 सीट अंदर 1 सीट बाहर जो है वो लगेगा। इस भी हमने पूरा डैम्पिंग लगा दिया। हाँ जी, यहाँ का फर्क दिखाता हूँ डैम्पिंग का आपको, यहाँ देखो आवाज़ तेज आ रही है आपकी, यहाँ देखो भैया कम हो गया, तो ठोस आवाज़ जो है बेसिकली यहाँ से आपको मिल जाएगी जी भैया। और यहाँ से आपको टन टन आवाज़ मिलेगी, मतलब खोखलापन जो है वो सुनाई देगा। ये देखो खोखला आ रहा है और साउंड इम्प्रूव हो जाएगा, अंदर बाहर का साउंड नहीं आएगा, और जो अब कॉम्पोनेंट लग रहा है स्पीकर कॉम्पोनेंट उससे आवाज़ और बढ़ जाएगा आपका लगने के बाद, ठीक है जी। एसी कूलिंग वगैरह भी फर्क पड़ेगा आपको जी जी, मतलब काफ़ी फायदे हो जाते हैं इसी को लगाने से, आवाज़ बहुत कम हो जाएगा, नॉइज कम हो जाता है, बाहर की जो रेटलिंग नॉइज वगैरह हैं वो आपको अंदर नहीं मिलेगी। बाकी इसमें एक बिडिंग लगाएंगे बाहर से और एक हैंडल क्रोम लगाएंगे अभी, तो जो बिडिंग होगी वो नेक्सा जेन्युइन होगी। बाकी नेक्सा के जितने पार्ट होता है उसमें 85% का डिस्काउंट चल रहा है अभी, ठीक है जी जी।
तो अभी गाड़ी का काम जो है वो ऑन पैकिंग है, पैक होने देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, कस्टमर से भी मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कितना दूर से वो आए हैं, उनको काम वगैरह कैसा लगा। A few moments later. दोस्तों अपनी फ्रॉन्क्स का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस क्लीनिंग वगैरह जो है वो बाकी है। अब आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट्स वाले कागज में रहने वाले हैं। फ्रंट से भैया बात करते हैं तो उन्होंने भैया लगा दिया जूम की LED 120 वाट की, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 6,000 रुपए की 6,500 रुपीज में ओजोन की LED और वारंटी आपको 2 साल की जो है वो मिल जाएगी। अभी खैर डे का टाइम है तो रिस्पॉन्स आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि सूरज अपने प्रकोप पर चल रहा है बिल्कुल जी भैया। तो इसमें हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, नाइट का चीज आने पर चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा इसका भैया साइड प्रोफाइल से बात करते हैं तो हमने AC वेंट पे लगा दिया है साइड वेंट, यहाँ पे इंडिकेटर रिमूव करके उसके ऊपर अपना जो है साइड वेंट लगा दिया गया है। और भैया मिरर चेंज कर, ठीक है। और ये लॉक अनलॉक पे दोनों पे काम करेगा आपका और चाबी के साथ भी काम करता है, तो वो भी आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। तो बटन प्रेस किया, मिरर फोल्ड हो गया है, अगेन बटन प्रेस करेंगे, मिरर अपना जो है वो अनफोल्ड हो जाएगा। चाबी के साथ भी जो है अपना प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है। दरवाजा लगाया गैलियो कंपनी की, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रॉपर क्रोम लाइन वाला ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है जो कि अच्छी क्वालिटी में रहने वाला है। उसके बाद लोअर नाइस लगा दिया भैया, इसकी गारंटी होती है 1 साल की, जंग लग जाए तो रिप्लेस हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो 6 पीस में आएगा, बिल्कुल पीछे वाले पार्ट तक रहने वाला है। और एक हैंडल क्रोम लगा दिया और भैया का हमने लगाया साइड बिजिंग डिस्काउंट करके नेक्स्ट हमने पार्ट पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये फुल क्रोम के साथ जो है वो अपनी रहने वाली है, इसमें एक रेड वाली भी आती है, अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। एक मठफब लगा दिया 3 के कोस्टिंग के अंदर, ये आप यहाँ पर देखें अपना चाओ टायर्स के पीछे जी भैया, आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा किचर रोकने के लिए होता है। पीछे से क्या रहेगा मनीष भाई? कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगा अपने पास, मिल जाएगा 4,000 की कोस्टिंग के अंदर मात्र जी भैया, वाले भैया के लिए। उसके बाद एक क्रोम लगा दिया भैया, ये डिक्की पट्टी जो है वो डिक्की पट्टा लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद भैया डिक्की के अंदर हमने तो एक पहले टेयर डाला, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये पेट्रोल वाली है, अगर आप CNG वाली लेकर जाते हो CNG ट्रे भी हमारे पास अवेलेबल है, आप वो भी लगवा सकते हो। कोस्टिंग आती है भैया 1100 रुपए की कंप्लीट इंस्टॉल करके, हैंडल लगा दिया 1100 की कोस्टिंग के अंदर चेंज करके। तो बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे आप देखोगे, स्टीयरिंग कंट्रोल भी चेंज कर दिया 3500 की कोस्टिंग के अंदर विद हब के साथ, ठीक है जी। और साइड मिरर हमने चेंज किया, ये हम आपको दिखा चुके हैं, मिरर अपने चेंज हो चुके हैं भैया। बाकी बूट लाइट जो है वो भी लगी है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसकी भैया प्राइसिंग आती है 300 रुपए की फिटिंग के साथ, और मात्र जर्मन होता है ये कम्प्लीट। हाँ, उसके बाद भैया इसमें रिफ्लेक्टर लगाया, 3 फंक्शन पे काम करता है, पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे भैया पार्किंग पे है, पार्किंग पे स्कैनिंग मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। आपको इंडिकेटर पे दिखा रहा हूँ, ये अपना स्कैनिंग मोड वर्क कर रहा है, ये बेसिकली एक वेलकम फीचर जो है वो होता है, उसके अलावा इंडिकेटर इंडिकेटर करेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, तो इंडिकेटर के ऊपर जो है इसके अंदर आपको जो है स्कैनिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। तो भैया ब्लैक पे ब्रेक पे दबा रहा हूं मैं, ब्रेक अप्लाई करोगे तो ज्यादा ब्राइट ही अपना हो जाता है जी भैया। तीनों फंक्शन पे काम करता है, इसकी कॉस्टिंग आती है 1200 रुपए का लगा के, अच्छी क्वालिटी का जो है ये वाला इंपोर्टेड होता है, पानी वानी भी जाता है इसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद भैया साइड से इसके अंदर लगाया फ्रॉन्स का वेलकम प्लेट, इसकी मात्र आती है 1000 रुपए की, और इसमें किसी दूसरे कलर का चाहिए हो तो वो मिल जाएगा, दोनों नेक्सा जनरल मिल जाएगा, आपने मार्केट में मिल जाएगा, क्रोम में मिल जाएगा, तीनों ऑप्शन अपने पास, तीनों मिल जाएंगे 500 से स्टार्टिंग रेंज है उसका, ठीक है जी। इसके अलावा इंजन हैंडल की बात कर रहे थे मनीष भाई, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो चेंज हो चुका है, चारों के चारों जो है अपने रिप्लेस हो चुके हैं। मिरर फोल्डिंग जो है वो भी आपको दिखा दी थी, तो यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर अपना रहने वाला है। अब बात करते हैं अंदर से क्या कुछ रहने वाला है। हमने मेन काम किया सोफा रहने सीट कवर के अंदर है और 5 सपोर्टेड है, बहुत 5 की गारंटी, सीट कवर की कर्जा फर्जा रिप्लेसमेंट गारंटी है, और मैच टू मैच किया है हमने कॉफी कवर के अंदर, और बहुत जबरदस्त फिटिंग आ रही है, साथ साथ कपड़े का मटेरियल बहुत अच्छा है, आप खुद भी देखकर के नारा लगा सकते हो किस तरीके का जो है। और रिंकर बिल्कुल भैया नहीं है, बिल्कुल रिंकर आपको ना पीछे देखेगा ना आगे देखेगा, बिल्कुल देखो बहुत जबरदस्त आउटपुट जो है वो उसके साथ अपना रहने वाला है, पीछे भी आप जो है कंप्लीट व्यू चेक कर सकते हैं। और सिल्वर धागा के भी स्टिचिंग करवाया हमने, सेंटर में डबल सिलाई आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद भैया हमने ऊपर से मैट डाल दिया, यूनिवर्सल मैट है ये, इसकी कॉस्टिंग 1200 रुपए की आती है, ठीक है। उसके नीचे हमने डाला चेक मैट, क्वालिटी का मैट डाला है, फ्लोरिंग एक साल की भैया रिप्लेसमेंट गारंटी होता है फ्लोरिंग की जी भैया, कुछ भी दिक्कत हो तो हैंड वैंड चेंज हो जाएगा, और इससे बेनिफिट ये है कि पानी वानी आता है तो कारपेट खराब हो जाता है, हाँ जी, अब पानी नहीं जाएगा और सेफ रहेगा कारपेट आपका, मतलब लेमिनेशन जो है वो हो चुकी है, और यहाँ पे आप देखोगे चेकमेट की प्रॉपर आपको बैजिंग भी देखने को इसके साथ मिल जाएगी जी भैया, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमने स्टीयरिंग पूरा चेंज कर दिया है, तो बेसिक से आता है इस मॉडल के अंदर जिसमें आपको कोई कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे सी माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो लग चुके हैं, मतलब पूरा स्टीयरिंग जो है वो चेंज हो चुका है अपना, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के जो बटन है वो वर्किंग नहीं होंगे, ये डमी रहने वाले हैं जी भैया। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर यहाँ पे एक रैपिंग जो है स्टीयरिंग का कवर जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि आप चाहो तो लगवा सकते हो, अदरवाइज आप छुड़वा भी सकते हो जी। इसके अलावा मनीष भाई, उसके बाद भैया आमरे देखो ना, मेन फोकस तो आमरे, इस पे देखो आप, आमरे पूरा लगा दिया हमने, ठीक है। ये जेन्युइन है नेक्सा का, इसकी कॉस्टिंग आती है भैया 3000 रुपए का विद फिटिंग के साथ कंप्लीट करके आपको मिल जाएगा। किसी भाई को पीछे USB सॉकेट चाहिए तो
आपको मिल जाएगा, उसकी कॉस्टिंग 1500 की आती है। हाँ जी। फ्रंट वाले की दो ऑप्शन है अपने पास, एक 600 का है, वायर के साथ लोगे तो 1200 का आएगा। ठीक है जी। दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद एसी वैन पे ये सिल्वर नहीं आता है। हाँ जी। तो हमने चेंज करके दोनों साइड में लगा दिया। तो ये टॉप मॉडल वाला जो फीचर है वो आपको मिल जाएगा, सिर्फ ये बीच वाले पे ही आता है, साइड वालों पे नहीं आता है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी भी कॉस्टिंग दोनों की आएगी 1200 रुपए का लगा लगा करके जी, विद फिटिंग करके। ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमने एंड्रॉइड डाला है, 4 GB रैम, 32 GB इंटीरियर, एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है, एक साल की भैया इसकी वारंटी है। हाँ जी। और एक घंटे के अंदर ठीक होकर मिल जाएगा, कुछ भी दिक्कत होगा कल कोई दिक्कत आती है तो आप आ सकते हैं। इसके अंदर जेडलिंग के थ्रू चलेगा आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही जो है वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे अपने आप कनेक्ट पकड़ लेगा आपने। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने लगाया पानी का कॉम्बेट लगाया, आगे पीछे लगाया कोएक्सल बैक साइड में। ठीक है। और प्रॉपर डैम्पिंग लगा दिया इसके अंदर हमने मेन, इससे गाना इनहेंस हो जाएगा। 8 सीट जो है वो करी गई है जी। और यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर सैश के साथ जो है इसका काम यहाँ पे किया गया है, कोई कटिंग वगैरह नहीं मिलेगी आपको, कोई कटिंग वटिंग नहीं है। ठीक है। उसके बाद इनर हैंडल दिखाई दिया आपने। हाँ जी, चारों बाकी सारा भैया काम किया इस गाड़ी के अंदर। बाकी आप देखोगे तो ये अगला लीवर जो है गियर नोब, ये आपको बेसिक सा मिलता है, इसके ऊपर जो है 300 रुपए का मिल जाएगा। ये पियानो ब्लैक जो है वो कर दिया गया है। और रियर व्यू कैमरा आपको दिखाया, कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आने वाला है वो भी आप चेक कर सकते हो। ये अपना रियर व्यू कैमरे का जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं, प्रॉपर जो है क्लियर विजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये गाइडलाइन मूव करेंगे नहीं करेंगे? गाइड करेगा भैया, जैसे बॉडी मूव करेगा ना, जिसको वैसे एरो मूव करेगा इसका। ठीक है। तो गाड़ी के चलते कंडीशन में जो है यहाँ पे गाइडलाइंस भी अपनी मूव करने वाली हैं, तो ये भी रहने वाला है अपना प्रॉपर, जो कि अपना अंडर वारंटी रहेगा अपना जी। तो ये सब काम जो है वो किया गया है। और इसमें हमने स्टीयरिंग सील दिया है कवर ऊपर से, ये कवर जो है वो ये सिलाई वाला कवर है, स्टिचिंग वाला मतलब वो रैपिंग वाला कवर नहीं है। अगर आप चाहो तो 400-500 की आती है। ठीक है, लगा के दे देते हैं कस्टमर को। बाकी आप चाहो तो फ्रंट में केबिन लाइट वगैरह जो है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो। तो बाकी अगर कोई चीज़ का अगर आपको रेट जानना है तो मनीष भाई का नंबर आपको नीचे मेंशन मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी भैया। अब मूव करते हैं बस कार के ओनर की तरफ और उनसे जानते हैं कैसा उनका फीडबैक आता है। तो मनीष भाई ने कार की सभी एक चीज़ हमें दिखा दी, मिलते हैं बस कार के ओनर से, जानते सर का कैसा कुछ फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज है। तो पंकज जी कहाँ से आ रहे हैं आप? बेसिकली मैं सेटल देहरादून में हूँ, लेकिन रूट्स दिल्ली की है। ठीक है। तो यहाँ के बारे में कहें या मनीष भाई के बारे में कहें, कैसे पता चला आपको? मनीष भाई के बारे में हमने रिव्यू काफी यूट्यूब पे और अपने फ्रेंड से लिया था, तो उन्होंने कहा था कि मनीष जी का रिव्यू और बिहेवियर बहुत अच्छा है, जेन्युइन सामान मिलता है। तो मैंने अपनी कार ली थी, इसको 6 महीने हुए हैं, तो इसको मैंने बेसिक मॉडल लिया था, तो इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करानी थी बेसिक, तो वही करवाने मनीष जी के पास आए। तो अभी ये बताइए जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी सब चीज़ आपको मनीष भाई के पास मिल गई? जितनी हमें बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो मेरे बजट था और जितनी मेरी स्पेसिफिकेशन थी, उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल बस काम किया। गाड़ी का काम सारा कंप्लीट हो चुका है, काम करने कुछ कमी लगी आपको? नहीं नहीं, काम कोई। मनीष भाई ने कोई तार वार तो नहीं काटी? नहीं नहीं, तार कटिंग तो अभी तो बाद में पता चलेगा, अभी तक तो नहीं काटी। मतलब आपने सामने देखा होगा? हाँ, सामने कोई कटिंग नहीं, सारा काम जो है आपको अच्छा देखो देखने को मिल गया है, कमी आपको बिल्कुल भी फील नहीं हुई है। अगर फिट फिनिश की बात की जाए कैसा लगा उसके अंदर आपको, रेट करना हो? अच्छी है। 10 में से अगर आपको नंबर देना हो कितने नंबर देना चाहेंगे? दूंगा, बाकी एक नंबर आगे के लिए, एक नंबर आगे बरतने के लिए आपने काट रखा। भैया से हमारे एक महीने से बात चल रही थी, भैया हमारे पास ही आया, काम बढ़िया करवाया इन्होंने। तो जो प्राइसिंग वगैरह आपने इनसे पहले कोट ली थी वही प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिली है? हमने कम दिया है इनको, उससे भी कम जो है वो आपको मिल गया है। ठीक है। तो आप जो है ओवरऑल सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जा रहे हैं, अगर किसी को आपको रिकमेंड करना हो फ्यूचर में तो रिकमेंड करना चाहेंगे? चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और आप यहाँ तक आए हैं अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।